कई खट्टे मीठे एहसासों के बाद अब हम 2022 को विदा करने जा रहे हैं और खुली बाहों से 2023 का हम वेलकम करने जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि हम आखिरकार 2023 का वेलकम कहाँ करें। बहुत सारे लोग पार्टीज करने के लिए आगरा के होटलों का रुख करते हैं, तो ऐसे में आपके लिए कौन सा होटल बेहतर है, इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजीव सर हैं, डायरेक्टर ऑफ सेल्स मार्केटिंग के आप डिपार्टमेंट में हैं। क्या लगता है सर, इस बार 2023 का वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि 2022 में हमने कोविड के कारण कई लोगों ने अपनों को खोया, बहुत सारी बैड मेमोरीज हैं, अब उन्हें हम दरकिनार करते 2023 का खुली बाहों से स्वागत करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां? सबसे पहले तो मैं अपने सभी आगरा वासियों को नमस्ते कहना चाहूँगा हॉलीडे इन आगरा की तरफ से, और सबको वेलकम करना चाहूँगा हॉलीडे इन आगरा में नव वर्ष की तैयारियों के साथ। आप आएँ और इसे इन्जॉय करें। जैसा कि आपने बताया कि पिछले दो साल काफ़ी ख़राब गए हैं सभी के लिए, लोगों ने अपनों को खोया है, कोई किसी ने अपने खास को खोया है, तो इन सभी यादों को ओवरकम करते हुए इस साल नए साल को अच्छी तरीके से हम मनाना चाहते हैं, और उसके लिए हमने खास तैयारियां की हैं। जैसे कि हमारा जो ऊपर बॉलरूम है वहां पे हमने खास मनोरंजन के इंतज़ाम रखे हैं, हमारे पास लाइव म्यूज़िक है, लाइव बैंड रहेगा, लैविश बूफे है, बहुत अच्छी लिकर सर्व हो रही है वहाँ पर, सो ओवरऑल बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट रहेगा वहाँ। बहुत सारे जो लोग होते हैं जो न्यू ईयर पे पार्टीज करते हैं लेकिन वो शोर शराबे को पसंद नहीं करते, और आगरा कला साहित्य की नगरी मिर्जा गालिब की धरती है, तो क्या लगता है उन लिए कुछ स्पेशल कुछ रखा हुआ आपने? सो इसी सब को ध्यान में रखते हुए हमने एक अपार्ट फ्रॉम दिस मेन प्रोग्राम हमने एक और गज़ल नाइट रखी है जो कि आगरा वासियों को पसंद आएगी आई एम श्योर, और हमें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। इसमें हमने एक गज़ल आर्टिस्ट को बुलाया है जो कि वहाँ पे गाएगा एज पर। क्या टाइमिंग वगैरह रहे? 8:30 बजे से टाइमिंग है शाम की, और फॉलोड बाय फूड लेविश बूफे अगेन, और जिनको इस माहौल में सुनना और रहना पसंद है, जो जानते हैं कि हमारे इतिहास आगरा का क्या कहता है, उनके लिए सबसे बेहतरीन प्रोग्राम रहेगा, और ये मेरे हिसाब से शहर का पहला ऐसा प्रोग्राम होगा जो हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, गज़ल नाइट जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। सो आई एम श्योर पीपल विल लाइक इट, प्लीज़ आए। बिल्कुल, और बच्चों के लिए खास तरीके का कोई अगर आपने इंतजाम रखा हो या फिर और स्पेशल इसके अलावा कुछ अगर ऐसा? सो बच्चों के लिए हमने, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमने एक खास किड जोन बनाया है जहाँ पे बच्चे अपना अलग से मनोरंजन कर सकें, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था सब अलग है और उनका मेन्यू अलग है, उनके लिए काफ़ी सारी खेलने की चीज़ें हैं, दे कैन एन्जॉय ओवर देयर, ताकि वो अपने मम्मी पापा को परेशान ना करें इन द मीनवाइल। और उसके साथ हमने लॉटरी सिस्टम भी एक रखा हुआ है जिसमें जो भी गेस्ट हमारे साथ यहाँ पे आएंगे एंजॉय करेंगे उन्हें खास कॉम्प्लीमेंट्री रूम वाउचर मिलेंगे दूसरे होटलों के, हमारे जो IAG के होटल्स हैं जैसे दिल्ली में, अहमदाबाद में, बॉम्बे में, तो हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री रूम में वाउचर भी देना चाहेंगे। आखिरी सवाल के बजट मोटा लगभग बजट जो आप लोग आ सकें सफ़र कर सकें क्या रखा है, ऐसा कोई पैकेज रखा हुआ आपने या फिर नॉर्मल? हाँ नहीं, हमने जो कपल के लिए पैकेज रखा है वो 10,000 प्लस टैक्सेस का है जो कि वाजिब है, अगर आप मार्केट में जाएं तो हमारा काफ़ी वाजिब पैकेज है जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और एक अच्छा एंटरटेनमेंट रहेगा।